भाई साहब पूरा टायर स्कीड कर रहा है यार। भाई साहब देख सकते हो फिलहाल बाइक को पूरा मस्ती किया जा रहा है बाइक के साथ। सामने मेरा दोस्त पूरा मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा है। यहाँ पे मेरा बेबी लाइट एनएसोनेट है और फाइनली स्टैंड नहीं लगाया, पूरा चक्का को मिट्टी में डाल के स्टैंड लगाया गया। तीनों बाइक का वही केस है। सब मेरा दोस्त लोग बाइक को दौड़ाते हुए लेके आ रहा है। देख सकते हो मस्त सा मतलब स्टील का पुल है यार, पूरा लद्दाख लद्दाख टाइप का फीलिंग आ रहा है कि हाँ भाई भाई साहब क्या। भाई लोग आप मेरा पीछे देख पाओगे कि वही मैं देउल का जगह पर आया था, देउल पार्क में। देउल के पार्क के आई थिंक पीछे यार देख सकते हो वो पुराना शिव मंदिर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल जी आर वी डी जी पी एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। तो भाई लोग आपको ऐसे ही थोड़ा सा मतलब सिटी के मालंदे की सनका की तरफ आया था और दुर्गापुर में एक बहुत ही फेमस जगह है वो है देउल। तो देउल पिकनिक स्पॉट में थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड्स लोग मिलकर जा रहे हैं। थोड़ा सा सोचा कि इधर राइड कर लेते हैं और अब इधर का रोड्स देख सकते हो। हमारा सिटी दुर्गापुर का वन ऑफ द बेस्ट रोड है यार, तो आप रोड देख ही पाओगे। तो चलो अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। और आप इधर का नज़ारा देख सकते हो यार, अल्टीमेट नज़ारा यार, अल्टीमेट फन। ये रोड है कि क्या है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हमारा सिटी का वन ऑफ द बेस्ट रोड्स है यार, वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन द सिटी। और देखो कितना इजीली यार 83-85 का स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ, 83-85 का स्पीड पे एफर्टलेस क्रूज। भाई साहब जबरदस्त। रोड्स अल्टीमेट है और बस फ्रेंड्स लोग भी पीछे पीछे से आ रहे हैं। तो जितना भी होगा जैसा भी होगा आप लोग को सिनेमेटिक्स दिखाएंगे और आप लोग थोड़ा वीडियो भी एंजॉय करो क्योंकि मस्त लग रहा है राइड करके। और आई थिंक यहाँ पे आप देख पाओगे जयदेव, तो इधर से अब राइट लेना है। आई थिंक आप यहाँ पे देख पाओगे देउल पार्क लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम आए थे। और इधर में आप देख सकते हो ईंट का चिमनी है, मतलब यहाँ पे ब्रिक्स बनाया जाता है। आप देख सकते हो मिट्टी को, जैसे आपको पता होगा कि ब्रिक कैसे बनता है, ईंट कैसे बनाया जाता है, तो ईंट बनाने का छोटा छोटा यहाँ पे फैक्ट्री टाइप का है, मतलब आदमी लोग यहाँ पे ईंट बनाते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा गाँव के अंदर से रास्ता है। चलो जैसा भी है जो भी है यार मज़ा आ रहा है, फिलहाल यही है कि मज़ा आ रहा है राइड करके। भाई साहब रोड्स देखो यार, क्या व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू है यार। बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके जो सब सोचा वो सब एटलीस्ट कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी वही करो। One hour later. तो भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हो मस्त सा मतलब स्टील का पुल है यार, पूरा लद्दाख लद्दाख टाइप का फीलिंग आ रहा है कि हाँ भाई भाई साहब क्या क्या व्यू है यार। आई थिंक आप देख पाओगे यहाँ पे तो नीचे एक गंदा सा पोखर है, तालाब है दोनों साइड में, आई थिंक आप देख पाओगे। तो अल्टीमेट व्यू है यार, अल्टीमेट व्यू, सच बोलो मज़ा आ गया। तो जैसा भी था जो भी था जितना भी हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये है भाई लोग मेरा दोस्त का पल्सर 150 और ये है पल्सर 125। तो बस राइड चल रहा है फिलहाल और व्यू खतरनाक है ब्रो, व्यू खतरनाक है। ऐसा नहीं कि देखो हाईवे पे मानता हूँ आप ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस जल्दी जल्दी ट्रेवल कर पाओगे, लेकिन गांव के रास्ता में जो मतलब इमोशनल अटैचमेंट है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देख रहे हो रोड्स अच्छा है, नो डाउट, और व्यू भी खतरनाक है भाई, जबरदस्त व्यू। A few minutes later. तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि देखो मेरा ओपिनियन आप लोगों का नहीं पता, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि द एक्चुअल फन इज़ वाइल ट्रैवलिंग एंड वाइल राइडिंग योर बाइक वाइल रीचिंग टू द डेस्टिनेशन। वो जो लम्हा है ना, जो डेस्टिनेशन में आप पहुँचेंगे उसका एक्चुअल फन है, पहुँच जाने के बाद ऐसा फन नहीं है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे देउल पार्क है, तो ये वाला देउल पार्क है, आई थिंक आप अंदर में जा सकते हो। हम लोग ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं देउल के तरफ। और भाई साहब क्या नज़ारा है यार, अल्टीमेट नज़ारा। ये आप देख सकते हो देउल का वो पुराना मंदिर, आई थिंक आप वो डोम का स्ट्रक्चर पे देख पाओगे। तो इसी के सामने हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा बाइक रोकते हैं और यहाँ पे यहाँ भी देख सकते हो डॉग मिल गया है।
और सामने देख सकते हो वो प्राचीन मंदिर है, तो ये मंदिर के सामने भी जाएंगे और वीडियो शूट करेंगे और आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो सो भाई लोग, आप मेरा पीछे देख पाओगे कि वही मैं देउल का जगह पे आया था, देउल पार्क में। देउल के पार्क के आई थिंक पीछे आप देख सकते हो वो पुराना शिव मंदिर है, तो उसी शिव मंदिर के सामने थोड़ा सा आया था। और आप देख पाओगे मेरे पीछे ही है कितना पुराना, मतलब आर्किटेक्चर कितना मस्त डिटेलिंग से बनाया गया है शिव मंदिर। तो मज़ा आ गया आज को व्यू देख के। और आपने ऑलरेडी देउल का फन देखा होगा, तो भाई यही सब फन करने के लिए हम लोग आते हैं। और आज को सच बोलना फन करके बहुत ही अच्छा लगा, आपने ऑलरेडी वीडियो में भी देखा होगा। और आई थिंक आप यहाँ पर थोड़ा सा व्यू भी देख पाओगे, तो थोड़ा सा आपको जस्ट एक बार घूम के मैं दिखा देता हूँ कि क्या मस्त दिख रहा है भाई साहब। ऊपर में आप थिंक देख सकते हो बादल भी कर दिया पूरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये है वही देउल का पुराना महादेव का मंदिर, और अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट। यहाँ पे हमारे भोले बाबा का मंदिर है, हर हर महादेव। तो भाई हर हर महादेव, एंड घंटी भी बजा देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने बाइक थोड़ा एक्सचेंज किया है, मैं अभी चला रहा हूँ पल्सर 150 मेरा फ्रेंड का, मेरा आप देख सकते हो सामने ही बेबी लाइट है। तो मेरा दोस्त मेरा बाइक चला रहा है फिलहाल, और फिलहाल सच बोला मज़ा आ रहा है चला के। और हम लोग जा रहे हैं देउल का पिकनिक स्पॉट जगह में, तो आप लोग को वहाँ पे भी व्लॉगिंग करके दिखाएंगे। रास्ता थोड़ा सा एडवेंचर है, भाई ये है रॉयल बाइक भाई, इसका सस्पेंशन मेरा सस्पेंशन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ भी है। तो यहाँ से हम लोग देउल का वो पिकनिक स्पॉट वाला जगह में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल पहुँच चुका हूँ पिकनिक स्पॉट वाला जगह पे। पे देखो यहाँ पे सब मेरा दोस्त लोग बाइक को दौड़ाते हुए लेके आ रहा है। हैं ये रहा छार, एक क्लास का फास्ट गियर, फास्ट गियर एखान देखे उठा गियर है तो बंद कर, बंद कर, असुविधा नहीं। एबार आस्ते आस्ते करो, नीचे नहीं है, नहीं आस्ते आस्ते करो, नीचे नहीं है। तो देख सकते हो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं देउल का पिकनिक स्पॉट वाला जगह में, और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा अल्टीमेट है। सो भाई लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फाइनली तीनों बाइक का लाइनअप करवा दिया गया है यहाँ पे, और जस्ट यहाँ दूर में आप देख सकते हो तो मस्त व्यू है, ऊपर में पूरा ब्लू क्लाउड्स है, और देख सकते हो यार ज़बरदस्त व्यू, और ये पिकनिक स्पॉट है। तो हम तीनों बाइक को यहाँ पर लाइनअप करवाया गया है ताकि हम ले सके एक ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा पिक। हाँ, ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा पिक। और ये देखो, ये है मेरा वो उस टाइप का दोस्त है, उस टाइप का दोस्त है जो फोटोग्राफी अच्छा करता है, पहले से ही छुका हुआ है, और पीछे का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। बड़ा हरामी हो बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिलहाल आज को आ चुका हूँ देउल पार्क के सामने, और आई थिंक वो देउल का पिकनिक वाला स्पॉट है जहाँ पे लोग आके नहाते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल भाई लोग, और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग को थोड़ा सा नोटिफाई करेंगे, और बस कुछ भी कर दिखाने लगे। यहाँ पे है नहीं ओपन, चारों साइड में ग्राउंड है, ग्रासलैंड है। तो भाई लोग देख सकते हैं एडवेंचर हो रहा है पूरा, और फिलहाल और बाकी दोस्त लोग जा चुका है, तो मैं एक फ्रेंड को लेके जाना पड़ेगा। एडवेंचर फुल मस्ती में हो रहा है, और मैं फ्रेंड का बाइक चला रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और फिलहाल आप देख सकते हो कि रास्ता पूरा एडवेंचर वाला रास्ता है। वाह भाई साहब, रास्ता बहुत ही ख़राब है, लेकिन 150 का सस्पेंशन अच्छा है आई थिंक। और आप सामने देख पाओगे घोड़ा है, तो ऑलरेडी दोस्त लोग जा ही चुका है, तो फिलहाल अभी चलते हैं ऑफ रोडिंग एडवेंचर ट्रेल में करते करते। भाई साहब कौन दिखते गए छो भाई, और एखान देने की एखान तक ही हो गए पाठ ऊपर को नहीं, लद्दाख मिनी लद्दाख, इरे 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 मारा, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सारा सारा लोअर गियर, हाँ हाँ गियर बाली तो फैसे अच्छा। तो भाई साहब यहाँ से सिंगल सिंगल जाना होगा, नहीं तो पूरा बाइक पूरा आई थिंक आप देख पाओगे, साउंड भी सुन पाओगे पूरा जिग, मतलब स्कीड कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक मेरा बाइक का तो पोपट घिस गया है, यहाँ पे ABS भी काम नहीं कर रहा है। भाई साहब पूरा टायर स्कीड कर रहा है यार, हाँ
तो भाई साहब देख सकते हो फिलहाल बाइक को पूरा मस्ती किया जा रहा है बाइक के साथ, और पूरा पूरा सैंड में बाइक फंस जा रहा है। आई थिंक आप देख पाओगे तो बाइक का पूरा सामने वाला जो टायर है पूरा स्कीड कर रहा है। आई थिंक देख पाओगे सामने मेरा दोस्त पूरा मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा है। भाई साहब तो फिलहाल भाई लोग देख सकते हो नेचुरल स्टैंड हम लोगों ने लगा दिया है, और बिना स्टैंड का मेरा बाइक पे स्टैंड लगा है, और आई थिंक आप पीछे देख पाओगे पूरा बर्नआउट किया है, तो पूरा जहर व्यू आया है, और तीनों बाइक में यहाँ पे स्टैंड करवाया गया है। मेरा बेबी लाइट यहाँ पे है 125 NS 150, तो मिट्टी में भी बाइक चला के बालू में बाइक चला के बहुत मजा। भाई लोग यहाँ पे मेरा बेबी लाइट NS 200 है, और फाइनली स्टैंड नहीं लगाया, पूरा चक्का को मिट्टी में डाल के स्टैंड लगाया गया है, तीनों बाइक का वही केस है। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और रहने का भी मन नहीं कर रहा यार भाई लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एडवेंचर ट्रिप बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे करके। और भाई तू फोटो खींच रहा है तो भाई व्हाट्सएप में देना। तो भाई साहब बाइक फंस चुका है, निकल। हाँ बस बस ठीक है, थैंक यू भाई। तो फाइनली बाइक को बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोगों ने निकाल लिया है भाई साहब, अलग एडवेंचर है भाई, देख सकते हो मिट्टी में भाई पूरा फीस्टेल हो रहा है यार। ओह भाई साहब अलग अल्टीमेट फील। भाई अलग सीन है ब्रो, अलग सीन है। बैगे फोन आ चेटू देख भी ठीक है चाँप दीस ना बेसी। और भाई साहब अलग सीन है यार, आलादा फोन आ चे भाई। और यहाँ पे मिनी लद्दाख आ चुका है, क्योंकि मिट्टी में बाइक ले जाना फर्स्ट गियर, ना होले चाँप, ना होले फर्स्ट गियर में अगर आप नहीं ले जाओगे तो भाई आप समझ सकते हो पोपट बनेगा। और कभी भी सामने पर आप ब्रेक यूज़ मत करना, चाहे जितना भी फिस्टेल हो। और फिलहाल बहुत ही मज़ा आया यार यहाँ पे राइड करके, और देख सकते हो मेरा बेबी लाइट NS 200। वहाँ पे जाना पड़ेगा आस्ते को बार कर ले जाओ सुना ठीक चापने ठीक चापनी सुना। तो भाई देख सकते हो बहुत ही मुश्किल के बाद फाइनली यहाँ से निकले हम लोग यार, बहुत एडवेंचर फन हो गया यार, सच बोलो अलग ही मस्ती था यार। Don't you dare say that I want it.